अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको नाउ यू नो इट की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। दोस्तों, जंगल में अगर जानवर एक दूसरे का शिकार ना करें तो फिर वो करेंगे क्या? ऐसे में तो उनकी जिंदगी में सिवाय बोरियत के और कुछ नहीं बचेगा। इसी के चलते आए रोज जंगल में जानवरों के बीच होने वाली लड़ाइयों को देखकर हमें भी काफी मजा आता है और जंगल की दुनिया के बारे में हर रोज नई नई चीजें जानकर हमें काफी अच्छा भी लगता है। तो आज की इस एपिसोड में हम आपके लिए जानवरों के बीच होने वाली कुछ खूनखार लड़ाइयों की कुछ वीडियोज लेकर आए हैं जो यकीनन आपने पहले कहीं नहीं देखी होंगी। दोस्तों, सबसे पहले सांप और छिपकली को एक दूसरे का खून पीते हुए देखते हैं। इस वीडियो में छिपकली बड़ी चालाकी से काम लेते हुए खुद को रेत में छुपा लेती है। इसका ख्याल था कि ये छुपकर शिकार करेगी, लेकिन ये इस बात से बेखबर थी कि उसे छुपते हुए सांप ने देख लिया है और इसी के चलते सांप भी होशियारी दिखाते हुए रेत के नीचे छुप जाता है और छिपकली के बाहर आने का इंतजार करना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो ही छिपकली थक हार कर सांप को देखने के लिए रेत से बाहर निकलती है तो इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर सांप एक झटके में छिपकली को दबोच लेता है और उसका काम हमेशा के लिए तमाम करके उसे अपने पेट में छुपा लेता है। दोस्तों, अब इस क्लिप में देखें कि यहाँ एक बड़ा सा एनाकोंडा सांप एक मॉनिटर लिजर्ड को मारकर उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अब आप इस कोबरा सांप को भी देखें जिसने एक बड़ी छिपकली को चारों तरफ से कसकर अपनी कुंडली में पकड़ा हुआ है। फिलहाल तो ये छिपकली जिंदा है, लेकिन कुछ ही देर में ये सांप का निवाला बनने वाली है। दोस्तों, हनी बैजर का जंगल में जो रोबो दबदबा है, उम्मीद है कि उससे तो आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे। उसी की नस्ल का एक जानवर जो कि बर्फानी इलाकों में रहता है, उसके अंदर भी बहादुरी और बेखौफ जैसी खसूसियात बिल्कुल हनी बैजर ही की तरह पाई जाती है। इसे आप बर्फ में रहने वाला हनी बैजर भी कह सकते हैं, लेकिन असल में इसका नाम वुल्वरीन है। दोस्तों, ये जानवर अक्सर ही बर्फानी इलाकों में रहने वाले भेड़ियों और भालुओं के साथ गुत्थम गुत्था होता हुआ नजर आता है। जैसा कि इस वीडियो में आप एक वुल्वरीन को भेड़िये के साथ उलझते हुए देख सकते हैं, जिसमें पहले कुछ देर के लिए भेड़िया वुल्वरीन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वुल्वरीन की हिम्मत और बहादुरी के आगे ये भेड़िया भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब आप इस वीडियो में भी देखें कि यहाँ पर दो भेड़िये एक वुल्वरीन को अकेला देखकर उसका शिकार करने के लिए मैदान में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर कोशिश करने के बाद उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उन्होंने शिकार के लिए गलत जानवर को चुन लिया है, जिसके चलते उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। दोस्तों, जब कभी दो वुल्वरीन आपस में लड़ पड़ते हैं तो नजारा और भी ज्यादा खूनखार हो जाता है, क्योंकि उनके नोकीले दांत किसी भी मोटी चमड़ी को आसानी से चीर भाड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जीत इनमें से किसी एक की ही होती है और जीतने के बाद ये अपने मरे हुए साथी का गोश्त भी नहीं छोड़ते और उसे भी खा जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो कई ऐसे परिंदे हैं जो सांपों का शिकार करके उन्हें खाते हैं, लेकिन जब बात हिरोंस की आए तो ये परिंदे सांप के अलावा भी कई छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि इस परिंदे ने कितनी आसानी से एक सांप का शिकार करके उसे अपनी चोंच में दबा रखा है, लेकिन इतने जहरीले जानवर का शिकार करने के बाद भी इस वीडियो में आप देखें कि ये परिंदा एक बत्तख से मार खाने के बाद अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा है। असल में ये बत्तख उसके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले इस हिरोन ने बत्तख के एक बच्चे को जिंदा ही निगल लिया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसके अलावा ये परिंदे जंगली खरगोश तक को एक ही सांस में निगल जाते हैं, जैसा कि आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने इस एपिसोड की शुरुआत में मॉनिटर लिजर्ड को सांपों का शिकार बनते हुए देखा था, मगर ऐसा नहीं है कि हर बार सांप ही जीतते हैं, बल्कि इस वीडियो में आप इस बड़ी छिपकली के हाथों एक सांप की शामत आते हुए देख सकते हैं और इसे देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये बड़ी छिपकली किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, इसके सामने एनाकोंडा सांप हो या फिर किंग कोबरा, ये छिपकलियाँ किसी से भी नहीं डरती और ये सारे जहरीले सांपों को मौत के घाट उतारने की काबिलियत रखती है। जैसा कि इस वीडियो में कोबरा सांप का मुंह इस छिपकली ने अपने मुंह के अंदर इतनी कसकर पकड़ा हुआ है कि अब उसका बचना नामुमकिन है।
दोस्तों गोरिल्ला झुंड की सूरत में रहने वाले जानवरों में से एक है, जिसमें एक नर जो पूरे ग्रुप में राजा होता है और बाकी सभी मादा और बच्चे भी उस झुंड का हिस्सा होते हैं। मगर इनमें मादा गोरिल्ला के बीच हमेशा ताकत दिखाकर जीतने की लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि हर मादा गोरिल्ला ये चाहती है कि वो जीतकर झुंड की रानी बने और बाकियों पर अपनी हुक्मरानी चलाए। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मादा गोरिल्ला दूसरी गोरिल्ला को उठाकर नीचे जमीन पर पटक देती है। दोस्तों अब तेंदुए की खूबियों से तो आप सब अच्छी तरह वाकिफ ही होंगे, क्योंकि ये बड़े साइज की बिल्ली खतरनाक के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी होती है। जैसा कि यहाँ पर एक तेंदुए को अम्पाला की गर्दन दबोचे हुए देखें, जिसे बचने के लिए अम्पाला लाख कोशिशें करता है, मगर तेंदुए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आखिरकार ये उसे मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों ऐसे ही एक और वीडियो में देखें कि यहाँ पर ये तेंदुआ सुबह के वक्त अपने नाश्ते के लिए शिकार की तलाश में निकलता है, जिसके कुछ ही देर बाद ये अपने नाश्ते का बंदोबस्त तो कर लेता है, मगर इसके पीछे पीछे एक लगड़बगा भी नाश्ते के लिए चला आता है, जिससे डरकर तेंदुआ अपने नाश्ते को छोड़कर पीछे हट जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए नाश्ता जो कि एक हरन था वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है और ऐसे तेंदुए और लगड़बगे को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। दोस्तों अब जैसे इस वीडियो में एक तेंदुए ने दरख्त से इतनी ऊंचाई से छलांग लगाकर एक हरन को दबोच लिया है, ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये काम सिर्फ एक फुर्तीला चालाक तेंदुआ ही कर सकता है। दोस्तों कमोडोर ड्रैगन जंगल के सबसे खूनखार और बेरहम जानवरों में से एक है, ये अपने शिकार को जिंदा ही नोच नोच कर खा लेते हैं। यहाँ पर आप एक हरन को देखें, जिसे एक छोटी कमोडो ड्रैगन ने काट लिया है और इसके जहर का असर आप हरन के बिहेवियर से देख सकते हैं कि कैसे ये बेचारा तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। दोस्तों झुंड में रहने वाले ये बंदर जिन्हें बाबूंस कहा जाता है, इनके सर पर जब खून सवार होता है तो ये मगरमच्छ जैसे ताकतवर और खूनखार शिकारी को भी पानी से बाहर खींच लाते हैं। ये बंदर जब झुंड में होते हैं तो इनकी दहशत का अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं, जहां इन्हें देखकर एक तेंदुए तक की हवा टाइट हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड, जिसमें हमने जंगल में जानवरों के बीच होने वाली कुछ खूनखार और खतरनाक लड़ाइयां देखी। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने और जानने को मिला होगा। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।